हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देखे कि ये पीछे का बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सेट कर रहे थे और घर पे पड़ा हुआ था कुछ फोटो फ्रेम, तो सोचे कि ये वाला वॉल को भी डेकोरेट कर देते हैं। तो हम लोग ये लेके बैठे हैं और दिखाती हूँ क्या चल रहा है। तो कुछ ऐसा बन रहा है और ये मुझे हेल्प कर रहा है। हेल्प से ज़्यादा तो दिमाग खाता है मेरा, लेकिन ठीक है, ये वाला अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले जो मैं बोलने वाली हूँ कि कौन सा टाइम है डूअर्स घूमने के लिए बेस्ट, तो वो है, अरे रुको रुको जरा रुको, सबर करो, डूअर्स ही क्यों? ओके, गुड क्वेश्चन। डूअर्स क्यों ये बताना चाहूंगी कि नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस एरिया है वो है डूअर्स। डूअर्स का मतलब है डोर, मतलब कि दरवाजा, इसीलिए डूअर्स को बोला जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड भूटान। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारा चाय बगीचा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉनहॉर्न, राइनोसेरोस, एलिफेंट, गुअर्स, रिप्टाइल्स एंड बहुत जाति का डियर। साथ ही साथ यहाँ पे है रिवर तीस्ता और बॉक्सा जॉयंती, जो कि बहुत फेमस एक जगह है। और पूरे डूअर्स के अलग अलग जगह में अलग अलग व्यू पॉइंट है, जो कि 7 व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो बस विंटर की छुट्टी में और क्या रीजन चाहिए डूअर्स घूमने के लिए। तो काफ़ी दिनों से मैं गाड़ी पे नहीं चल रही थी, यहाँ पे थी ही नहीं तो क्या गाड़ी पे चढ़ना। तो आज सोचे कि थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में निकलते हैं। घर में से मेरे बड़ी बहन और छोटी बहन को उठाऊंगी, और तो 5 दिन का ट्रिप था हम लोगों का। और डे 1 हम लोग न्यू कोचबिहार स्टेशन में उतर के न्यू कोचबिहार का 2 जगह विजिट किए। पहला था कोचबिहार राजबाड़ी या कोचबिहार पैलेस, जो कि काफी काफी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया था वो जगह, वो विजिट करना मस्ट है। और दूसरा था मदन मोहन टेम्पल। हम लोग बहुत लकी थे कि उस टाइम में गए थे, वहाँ पे एक मेला चल रहा था तो काफी भीड़ था, ठीक है, वो जगह पे आप लोग जा सकते हो। राधा कृष्ण जी का एक टेम्पल है वो, वहाँ पे जाने से भी मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत प्यारा लग रहा था उस टाइम। और पहले दिन वो 2 जगह विजिट करके हम लोग चले आए जौलदापारा में, जहाँ पे हम लोगों का रिजॉर्ट बुक किया हुआ था पहले से, वो था आकाशिया इको रिजॉर्ट। डे 2 हम लोग सुबह से बॉक्सा और जयंती का ट्रिप किए। तो बॉक्सा जयंती तो आप लोग देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ घूमी हूँ मैं। हम लोग घूमे थे बॉक्सा टाइगर रिजर्व और उसी के साथ साथ लिए थे पोखरी लेक का एक विजिट। बौद्धिस्ट ये पोखरी लेक को सैक्रेड मानते हैं और पूजा करते हैं, और यहाँ का जो मछली है पानी में तो वो कोई भी हाथ नहीं लगाता, कभी खाने का तो सोचता भी नहीं है। और फिर उसके बाद गए महाकाल टेम्पल में। महाकाल टेम्पल जाने वाला रास्ता काफी एडवेंचरस था, हम लोग जिप्सी में करके एक रिवर क्रॉस करते हुए आगे बढ़े और वहाँ पे जाने के बाद देखे महाकाल टेम्पल, और साथ ही साथ मिला था एक वाटरफॉल। डे 3 में हम लोगों ने जौलदापारा नेशनल पार्क में एक जिप्सी सफारी लिया था, बहुत सुबह का था वो। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और आ गए लाटागुड़ी में। तो रास्ते में हम लोगों को मिला था साउथ खोयरबाड़ी, और फिर आके रुके थे लाटागुड़ी में ग्रास ओवर जंगल पीन करके एक रिजॉर्ट में। फिर आता है 4th दिन। तो डे 4 में हम लोगों ने 7 व्यू पॉइंट कवर किया, जो कि डूअर्स का सबसे खास और सबसे फेमस एरियाज में आता है। तो 7 व्यू पॉइंट में आया था टाइटेनिक व्यू पॉइंट, विंदू डैम, एप्पल स्टोन, रॉकी आइलैंड एंड मेनी मोर। और 5वां दिन हम लोगों का रिटर्न डे था। तो सुबह हम लोग होटल से चेकआउट करने के बाद घूमे थे तीस्ता डैम, और फिर हम लोग आ गए न्यूमाल जंक्शन में, और वहाँ से ट्रेन लेके पहुँच गए शियालदा। ये था 5 दिन का डे 2 डे, कहाँ पे थे, कैसे घूमे थे। वेलकम, हाय। तो कहाँ जा रहे हैं आज आप लोग के गाड़ी में घूमने के लिए? चलेंगे न्यू टाउन की तरफ, तुम लोगों को न्यू टाउन का रात का नजारा दिखाएंगे। ओके। अच्छा एक बात पूछना था, वो तुम लोग जो डूअर्स गए थे घूमने के लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना पड़ा? अनदर गुड क्वेश्चन।
तो अभी मैं बोलूंगी ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का टोटल जो कॉस्ट था वो क्या था। जैसे कि हम लोग ट्रेन में स्लीपर क्लास में गए थे, 6 लोगों के लिए जाने का लगा था 400, फिर वापस आने का लगा था 400, मतलब 800 पर पर्सन। 6 लोगों का टोटल लगा था 4,800 रुपीज़। फिर हम लोगों ने 5 दिन के लिए टूर एंड ट्रैवल से एक गाड़ी मंगवा लिया था, जो गाड़ी का पर डे के चार्ज में लगा था 3,500, तो 5 दिन के लिए लगा था टोटल 17,500। जिस दिन हम लोगों ने सफारी लिया था जौलदापारा नेशनल पार्क तक जाने के लिए, हम लोगों ने एक गाड़ी किया था सुबह, तो उस गाड़ी का अलग से 600 रुपीज़ लगा था। और फिर जितने भी पार्किंग वगैरह जो भी किए थे हम लोग, उसका लगा था 350, उससे कम ही लगा था, मैं ऐसे करके 350 मान लेती हूँ। तो हम लोगों का जो टोटल आता है वो है 23,250 रुपीज़ फॉर ट्रैवलिंग। और अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कि कितना सफारी में खर्चा हुआ, वो थोड़ा खर्चे वाला जगह था तो मैं पूरा लिस्ट दे देती हूँ। बॉक्सा जयंती का जो सफारी हम लोग किए थे, उसका टिकट और एंट्री फी लगा था 1120 फॉर 6%। और अंदर जाके जो हम लोगों ने दो जगह कवर किया था, पोखरी लेक और महाकाल टेम्पल, तो वो दो जगह के लिए गाइड और गाड़ी मिला के लगा था 1500। नेक्स्ट दिन जब हम लोगों ने जौलदापारा नेशनल पार्क में फिर से एक सफारी लिया था, तो उसका भी फिर से वो 6 लोगों का टिकट और एंट्री फी मिला के लगा था 1120। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ कि आप लोग पहले से कहाँ से बुकिंग कर सकते हो जो सफारी है। तो पहले का दो दिन हम लोग रुके थे जौलदापारा में आकाशिया इको रिजॉर्ट में, आप लोग देखे वो जगह कितना मस्त है। और नेक्स्ट जो दो दिन है हम लोग रुके थे लाटागुड़ी में, लाटागुड़ी में था ग्रास ऑफर। तुम्हारा जो वो होटल देखी ना मैं यूट्यूब में, बहुत ही सुंदर था, उसका रूम रेट क्या था? रूम रेट जो था वो मैं बता देती हूँ आकाशिया, बताओ ना। सब कुछ मैं बता देती हूँ अभी बता ही रही हूँ, वही बता रही हूँ। आकाशिया इको रिजॉर्ट में हम लोगों को लगा था 1250 रुपीस पर हेड, मतलब रूम का भी चार्जेस लेगा और खाने पीने का भी लेगा, चार टाइम का खाना पीना था वो सब कुछ इंक्लूड करके हर एक दिन का, बहुत बहुत सस्ता था वो। तो दूसरा जो था लाटागुड़ी में ग्रासहॉपर जंगल क्वीन, वो भी काफी अच्छा था। रूम तो आप लोगों को रूम टूर दिया मैंने वहाँ का, और वहाँ पे हम लोगों का रूम चार्जेस पड़ा था पर डे के हिसाब से 1200, लेकिन वो थोड़ा रेट अप डाउन करता है। अगर आप लोग पीक सीजन में जाओगे तो उसका ज्यादा प्राइस लेगा, मतलब 1500 तक 2000 तक चला जाता है वो। तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं दो दिन और दो दिन करके टोटल चार दिन का 22,200 रुपए का होटल खर्चा का डिटेल।
आ गए हैं श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब। यहाँ पे बहुत अच्छे से सज रहा है, पूरा एकदम रेडी हो चुका है क्रिसमस का जो भी सजना था। तो अभी हम लोग यहाँ पे मोंजिनिस से लेके ये चिकन वेब खाएंगे, खा रही हूँ। एक बात बताओ, वो जो टूर्स में गए थे उधर फूडिंग कॉस्ट कितना पड़ा था? फूडिंग कॉस्ट बताने को भूल ही गई मैं। तो फूड कॉस्ट जो बड़ा था वो तो पहले दो दिन का कुछ भी नहीं लगा था। आकाशिया इको रिजॉर्ट का दो दिन का तो पूरा इंक्लूडेड था, तो वो खर्चा नहीं लगा था। ग्रास ऑफर में हम लोग दो दिन ऐसे आला काटा में बुक करते रहे और खाते रहे, तो उसके लिए 8,000 मैंने पकड़ के रखा था 6 लोगों का दो दिन का, जो कि काफी बच गया था हम लोगों का। थैंक यू। टोटल खर्चा कितना हुआ रे बाबा, वो तो बोल लो। टोटल खर्चा हुआ है 60,000 फॉर 6 पीपल, मतलब पर कपल 20,000 में हम लोग डुअर्स घूमे 5 दिन का। इतना अच्छा घूमे ना। अगर आप लोग डुअर्स वाला व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो पिछला व्लॉग्स देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे घूमे थे हम लोग। कल तो बहुत मजे आने वाला है क्योंकि कल है क्रिसमस और मैं घूमने वाली हूँ कोलकाता, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। टेक केयर, गुड नाइट।